पे, जिस तरह से राम जी का वनवास हुआ था और जिस तरह से राम जी ने जो वनवास पूरा किया, तो वो सब यहाँ पर दर्शाया गया है। और पुराने ज़माने में लोग जैसे काम करते थे, उनके हथियार कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। राम जी की कोठी, सीता जी की कोठी और सभी के जो कोठियाँ हैं अंदर बताए गए हैं। गाइज ये देखो, यहाँ पे विभीषण की कुटी है और ये साइड में रावण की कुटी है। गाइज इन कुटियों में पहले ज़माने, और गाइज ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सीता जी की कुटी है। ये देखिए गाइज, ये देखिए गाइस कितनी बड़ी फिसल बंडी है यहाँ पे, और सीधा फिसलने के बाद सीधा पानी में जाता है इंसान गाइस, और ये बहुत ही मजा आने वाला है। और राइट गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको परभनी का सबसे बड़ा टूरिज्म के लिए बना हुआ पार्क बताने वाले हैं, जिसका नाम है श्री राम बाग। आज हम आपको श्री राम बाग के सारे नजारे बताएंगे। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं श्रीराम बाग, आप देख सकते हैं, और काफी धूप है गाइज। अभी ये एंट्री गेट है और इसके अंदर का नजारा हम आपको बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधा दी जाती है। यहाँ पर गाइज वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री गेट के पास, यहाँ पे दो सिपाही खड़े हुए हैं, जो पुराने ज़माने में जिस तरह से रहन सहन रहता था उस तरह से बिल्कुल यहाँ पे उसी तरह से इसे दर्शाया गया है। और दो तोहफे भी है सामने रखी हुई, दो हाथी है और इसके अंदर एक कमान है जिसे अयोध्या नगरी कहा जाता है। वो अयोध्या नगरी के पूरे नज़ारे आपको बताऊंगा। तो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे टिकट घर के पास, यहाँ पर टिकट मिलता है आपको, और ये भाई साहब यहाँ पे टिकट देते हैं। 150 रुपया टिकट है 3 साल के छोकरे को, 100 रुपया टिकट है। अच्छा, और घोड़े के लिए 30 रुपये टिकट है। अच्छा, के लिए 30 रुपये टिकट है, रेंडर्स के लिए 50 रुपये टिकट। अच्छा, अलग अलग तरह की सुविधा यहाँ पे दी जाती है। तो जो पहले ज़माने में जिस तरह से सुविधा दी जाती थी, घोड़े पे बैठाकर, समझो ये बैलगाड़ी में बैठाकर, शरबत पिलाकर, उस तरह से सभी प्रकार की यहाँ पर सुविधा दी जाती है, उसके लिए कुछ अलग अलग चार्ज है। और अभी हम अयोध्या नगरी में जाने वाले अंदर, और आपको सारे अयोध्या नगरी के नज़ारे बताएंगे। तो कमेंट में बताओ आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो। हमने टिकट लेने के बाद हम आ चुके हैं अयोध्या नगरी के बिल्कुल पास में, और अभी हम अयोध्या नगरी के अंदर एंट्री करने वाले हैं। पुराने जमाने का जिस तरह से रहन सहन रहता था उस तरह से सबको दर्शाया गया है। राम जी की कोठी, सीता जी की कोठी और सभी के जो कोठियां हैं अंदर बताए गए हैं। अंदर से वाटरफॉल भी है, अंदर पानी के बच्चों को खेलने के लिए फन पार्क भी है, वाटरफॉल भी है, बाकी सब कुछ है। सब कुछ के हम नजारे आपको बताएंगे। कमान के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे दो सिपाही है, जो कि पुराने जमाने में जिस तरह से कमान के पास दो सिपाही रहते थे रक्षा करने के लिए, वही दो सिपाही यहाँ पर गेट के पास है। तो गाइज अयोध्या में एंट्री करते ही हमें राम जी के दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे, और ये साइड में देख सकते हैं बहुत बड़ा पार्क है, और वहाँ पे पीछे आपको वाटरफॉल भी बताएंगे। और यहाँ पे ये भाई भी है, देखो ये यहाँ पे काम करते हैं यहाँ के, और अभी हम आपको आगे के पूरे नज़ारे बताएंगे। तो गाइज ये है पूरा पार्क बच्चों को खेलने के लिए, और यहाँ पे हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। यहाँ से वाटरफॉल में जाने के लिए एंट्री गेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री हम करेंगे और अंदर जाएंगे वाटरफॉल में। गाइज हम एंटर कर चुके हैं वाटरफॉल के अंदर। ये देखिए गाइज कितनी बड़ी फिसल बंडी है यहाँ पे, और सीधा फिसलने के बाद सीधा पानी में जाता है इंसान गाइज, और ये बहुत ही मजा आने वाला है जब इस पे ये जब चालू हो जाएगा तब। और गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक बहुत खूबसूरत सी चीज बताता हूँ गाइज। ये देखिए यहाँ पे मोर का स्टैचू है, कितना खूबसूरत बनाया हुआ गाइज इन्होंने जो बनाया है गाइज। इनके मैनेजर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने हमें यहाँ पर परमिशन दी वीडियो बनाने के लिए। हिरन का भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत स्टैचू बनाया हुआ है, यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं। रात के वक्त यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। और ये साइड में आप जो देख रहे हैं गाइज, ये घर नहीं है, ये कोठी है राम जी की, सीता जी की और लक्ष्मण जी की। यहाँ पर एक कोठी है, इसके पीछे वो भी नज़ारे आपको बताऊंगा। हाँ, भरत जी की भी वहाँ पे कोठी है। और ये देखिए बहुत सी खूबसूरत सा ये वाटरफॉल जो है यहाँ पर है, और यहाँ पे फिश की एक स्टैचू लगाया हुआ है, और ये टूरिज्म के लिए एकदम सही जगह है जहाँ पर आप आके फन कर सकते हैं। परभनी का सबसे बड़ा ये टूरिज्म फन पार्क है गाइज ये। तो गाइज अभी मैं आपको राम जी की कुटी, लक्ष्मण जी की कुटी, जो पहले ज़माने में जिस तरह से कुटी होती थी वो कुटी बताऊँगा गाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राम जी की कुटी है, वो वाली लक्ष्मण जी की कुटी है, और इसके आगे गाइज आप देख सकते हैं भरत जी की कुटी है, और ये सभी नज़ारे आपको आगे जाके और बताऊंगा मैं। और गाइज ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये सीता जी की कुटी है, ये देखिए गाइज ये सीता जी की कुटी है गाइज।
तो कुछ इस तरह से पहले जमाने में लोग रहते थे कुटी के अंदर। और ये भरत जी की कुटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा ये शत्रुघ्न जी की कुटी है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे शत्रुघ्न जी की कुटी है। कुछ इस तरह से पुराने जमाने में कुटिया रहती थी, अंजलि कुटी, अंजलि कुटी भी है गाइस, आप देख सकते हैं अंजलि कुटी भी यहाँ पे है, और अंजनी अंजनी सॉरी अंजनी की कुटी भी यहाँ पर है गाइस। ये पार्क मुझे बहुत पसंद आया गाइस, बहुत ही खूबसूरत इसके नजारे है, आप देख सकते हैं पीछे महादेव जी का भी यहाँ पे स्टैचू लगाया हुआ है। पूरे 26 एकड़ के अंदर ये पार्क बनाया गया है टूरिज्म के लिए, घूमने के लिए, और 2-3 साल पहले ये बनाया गया था गाइस, और बहुत खूबसूरत है गाइस। मैं तो अभी आया हूँ लेकिन ये बहुत पहले बन चुका था। ये है राजा दशरथ पक्षी विहार, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पक्षी रहते थे बिहार में, जो कि बिहार में जो कि राजा दशरथ के, और आप देख सकते हैं ये कुटी के अंदर का कुछ नज़ारा इस तरह से है, कुछ इस तरह से रहते थे पुराने ज़माने के लोग। ये कुटी है गाइस, ये देखिए गाइस, ये दरवाज़ा खुलता नहीं है, दरवाज़ा बंद है। तो गाइस अभी हम शेर का दर्शन करने वाले हैं, वैघ दर्शन, जो कि तस्वीर में लिखा हुआ था वहाँ पे। तो ये देखिए हमें दिख चुका है यहाँ पे चीता, शेर, क्या है कमेंट करके बताओ गाइस ये। और ये इसका दर्शन हो चुका है हमें गाइस, बहुत ही सरप्राइज भी करो इसका। तो गाइस अभी हम आपको झाड़ के ऊपर बनाया हुआ घर बताएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फन करने के लिए मस्त झूले वो सब है यहाँ पर, आप झूल सकते हैं यहाँ के, बहुत ही खूबसूरत ये नजारा है गाइस। ये देखिए गाइस झाड़ के ऊपर घर बनाया हुआ है गाइस, बहुत ही खूबसूरत है ये झाड़ के ऊपर का घर, हमने तो सिर्फ सोचा था, देख भी लिया आज गाइस। ये देखिए यहाँ पे झूले भी है खेलने के लिए, झूले भी खेल सकते हैं आप, और ये फन के लिए हम यहाँ पे आए थे, और हमने बहुत मस्ती की, हमें बहुत मज़ा आया। गाइस यहाँ पर है हुट, और इसकी भी सुविधा आपको दी जाएगी, इसके ऊपर भी आप बैठ सकते हैं। गाइस ये देखो यहाँ पे विभीषण की कुटी है, और ये साइड में रावण की कुटी है गाइस, इन कुटियों में पहले ज़माने में रहते थे। और ये है अंगद की कुटी, ये देखिए अंगद की कुटी है, और इसके बाद जो कुटी है गाइस वो नील नल की कुटी है गाइस, ये देखिए गाइस ये नल की कुटी है, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गाइस, और बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने दर्शाया गया है यहाँ पर, और बहुत खूबसूरत लगा मुझे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बता दो कैसा लगा। तो गाइस आप देख सकते हैं वो साइड में जामवंत की कुटी है, और ये सभागृह है, सभा मंडप है गाइस, ये देख सकते हैं आप, और ये बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है, ये देखिए गाइस यहाँ पर सामने बिल्कुल सभा मंडप के सामने बिल्कुल ये पार्क बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, और ये बिल्कुल ये पुराने ज़माने की तरह दर्शाया गया है गाइस। पुराने ज़माने में जिस तरह से लोग रहते थे, जिस तरह से राम जी का वनवास हुआ था, और जिस तरह से राम जी ने जो वनवास पूरा किया, तो वो सब यहाँ पर दर्शाया गया है। और पुराने ज़माने में लोग जैसे काम करते थे, उनके हथियार कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। हाँ वो सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, और अभी मैं आपको सब कुछ बताने, शिपी है ये टेलर है गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इन्हें दर्शाया गया है कुछ इस तरह से उनका औजार था। लेकिन गाइज अभी ये तो टेक्नोलॉजी अभी आ चुकी है, लेकिन इसके पहले कुछ अलग तरह की टेक्नोलॉजी थी, और थोड़े आगे जाते हैं आपको मैं और एक नज़ारा बताऊंगा। ये है गाइज ये बुरुड़ है गाइज, बुरुड़ को बुरुड़ मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। बुरुड़ का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे एक हाथी का स्टैचू है, और यहाँ पर गाइज भारतीय सुतार, यहाँ पे है भारतीय सुतार, और कुछ इस तरह से पहले ज़माने के जो औजार थे वो यहाँ पर है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है इस श्रीराम बाग के अंदर। ये पूरे पुराने ज़माने के जो लुप्त हो चुके हैं वो दर्शाए गए हैं गाइस, और ये बहुत खूबसूरत है। ये भारतीय चांबार है गाइस, ये चांबार एक कुछ इस तरह से चांबार जी का जो हथियार होता था, ये देखो ये गाइस ये हस्ती है, आप देखिए ये हस्ती है, और नीचे चप्पल है, ये पूरे दर्शाए गए हैं। जो पुराने जो अभी नए ज़माने के जो लुप्त हो चुके हैं वो पूरे यहाँ पर दर्शाए गए हैं, और पूरे नए पुराने ज़माने के हिसाब से बताया गया है कुछ इस तरह से गाइस लोग पुराने ज़माने करते थे। ये देखिए गाइस ये पुराने ज़माने में जो लोग कटिंग करते थे वो इस तरह से बैठ के कटिंग करते थे गाइस, और ये औजार है उनके, और यहाँ पर कहा गया है भारतीय हजाम, तो ये हजाम थे गाइस, जो पहले ज़माने के जो हजाम थे वो कुछ इस तरह से थे गाइस। तो अभी हाँ गाइस और एक चीज़ आपको देखिए गाइस बहुत खूबसूरत है, ये सोनार है गाइस, ये है अभी इसे पन्नी से पॉलिथीन से ढका हुआ है, क्योंकि अभी इसका काम चालू है अभी इसका, और इसका भी आपको नज़ारे आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और ये जो गाइस ये धोबी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये भारतीय धोबी है, धोबी जो कपड़े धोता है वो है, आप समझ गए होंगे। और अभी आपको हम बताएंगे, ये है हमारे भारत के कुम्हार, जो कि कुछ इस तरह से पहले मटका भांडे मटके बनाते थे गाइस, तो इस कुछ इस तरह से ये बनाते थे गाइस, और इनका स्टैचू बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है, और काफ़ी बहुत अच्छा यहाँ पर व्यू देने की कोशिश की है गाइस। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री गेट के पास ये नंदी एक है, और यहाँ पे है भटजी। किन किन लोगों को पता है भटजी क्या होता है? भटजी का मतलब होता है पंचांग बताने वाले, जो कि हर अयोध्या के अंदर रहते थे, तो वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं गाइस। और यहाँ पे है हमारे भारत के आखिरी जो कि सबसे भारी बिजनेसमैन थे, वो है लोहार, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका स्टैचू बनाया गया है, ये देखिए स्टैचू इनका,
बहुत खूबसूरत स्टैचू है गाइज, ये कुछ इस तरह से इनके औजार रहते थे, यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से दर्शाया गया है जिस तरह से पुराने जमाने में होते थे गाइज। तो गाइज ये श्रीराम बाग और ये अयोध्या नगरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम मिलेंगे आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक लिए बाय बाय।